आप तुषार सिंह 500/500 फुल बटा फुल। दरअसल हमारे जो बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी हालत में हैं, चाहे उनके पास पढ़ने में सामग्री का अभाव है या उनके पास सामग्री पूरी है, मगर वो चूंकि पुराने पढ़िया हैं, पढ़िया का मतलब है कि पुराने पढ़ने वाले लोग रहे हैं, पुराने शिक्षक रहे हैं, पुराने वो स्टूडेंट रहे हैं, यानी टीचर भी रहे हैं, स्टूडेंट भी रहे हैं। बुद्ध के समय में उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और खूब सीखा, खूब पढ़े और खूब पढ़ाए, तो वो आते हैं, उनके जीन के अंदर हैं। मौका उनका छीन लिया गया, इसलिए वो अपनी जो मेरिट है या जो अपनी पूरी की पूरी लगन या मेहनत है उसको सिद्ध नहीं कर पाए। जैसे ही बाबा साहब अम्बेडकर ने मौका दिया या जब भगवान बुद्ध ने मौका दिया, तो उन्होंने अपनी मेरिट सिद्ध की, अपनी योग्यता सिद्ध की और उन्होंने बताया कि पढ़ाई में वो सबसे अव्वल हैं पूरी दुनिया के अंदर। बिहार से खबर आती है कि वहाँ एक झोपड़पट्टी का बच्चा है, उसने बहुत ज़्यादा नंबरों से परीक्षा उत्तीर्ण की। एक ST की लड़की का आता है, उसने मध्य प्रदेश के अंदर बहुत अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण किया, टॉपर रहे हैं लगभग। और तुषार सिंह का है, और बीच में भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि बच्चे बहुत तेजी से पढ़ रहे हैं, दरअसल टॉप भी जा रहे हैं। और कंपटीशन में, चूंकि जब पढ़ाई होती है तो उसमें कंपटीशन में कोई रिजर्वेशन नहीं होता, एग्जाम सबका एक सा होता है, उसमें टॉप आना इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसमें रिजर्वेशन नहीं है। सबसे पहले तुषार सिंह के माता पिता को बधाई है, क्योंकि तुषार सिंह के जो माता पिता हैं, उनके पिताजी इकोनॉमिक के प्रोफेसर हैं और उनकी माताजी इकोनॉमिक की इंटरमीडिएट छात्रा को पढ़ाती हैं। दोनों ही टीचर हैं, दोनों ही गुरुजी हैं, दोनों ही शिक्षक हैं, दोनों ही अध्यापक हैं, दोनों ही मान्य हैं। तो उनका बच्चा है, तो इसलिए उन्होंने उसको सही संस्कार और सही तरह से पढ़ाया और बच्चा टॉप कर गया, 500/500 लेके आया। तो पढ़ाने वाले का ज्यादा धन्यवाद है, पढ़ाने वाले की ज्यादा मान्यता है, पढ़ने वाले की तो है ही, क्योंकि पढ़ाने वाला अगर बहुत अच्छा हो तो आप एक निकम्मे और एक कमजोर स्टूडेंट को भी तेज बना सकते हैं, मेहनती बना सकते हैं। और अगर पढ़ाने वाला निकम्मा हो तो एक तेज और एक मेहनती स्टूडेंट भी लोअर हो सकता है, डाउन हो सकता है, निकम्मा हो सकता है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे बच्चों में प्रतिभा, क्षमता, मेरिट पहले भी थी, मगर पढ़ाने वाले हमारे अपने टीचर नहीं थे। पढ़ाने का जुम्मा कुछ खास लोगों ने रखा हुआ था अपने पास में जान के, और उन्होंने भी स्त्रियों को नहीं पढ़ाया, अपनी भी स्त्रियों को नहीं पढ़ाया। मतलब एक तो उन्होंने जबरदस्ती अपने आप ही ये अपने हाथ में ले लिया, किसी ने कहा नहीं उनसे कि भाई पढ़ाने का काम तुम लो, और उन्होंने अपनी एबिलिटी भी सिद्ध नहीं की कि तुम पढ़ाने लायक हो भी या नहीं, यानी एबल भी हो या नहीं हो। तो एबिलिटी का टेस्ट देते, कम से कम बताते कि तुम जो पढ़ाने का जुम्मा ले रहे हो तो तुम पढ़ने लायक हो भी नहीं। फिर पढ़ाने के लिए तुमने अपने ही बच्चे पढ़ाए और अपनी महिला भी नहीं पढ़ाई, और बाकियों को तो पढ़ाया ही नहीं, उनके तो अधिकार ही तुमने बंद कर दिए कि पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत में अब तक जितने भी पढ़ाने वाले हैं वो डिसेबल लोग हैं, हैंडीकैप्ड लोग हैं, उनका जो माइंड है वो हैंडीकैप्ड है, पैरालिसिस माइंड है, यानी जो माइंड है वो पैरालिसिस्ड हो चुका है, पैरालाइज्ड हो चुका है, उसमें लकवा मार चुका है, लकवा ग्रस्त है। अगर लकवा ग्रस्त उनका माइंड नहीं होता, मन नहीं होता, दिमाग नहीं होता, तो वो अपने घर की महिलाओं को तो कम से कम पढ़ाते, महिलाओं की शिक्षा बंद कर दी। अरे बीमार आदमी हो, कम से कम अगर तुमने शिक्षा का जुम्मा लिया तो पूरे देश को पढ़ाना चाहिए था, और पूरे देश को नहीं पढ़ाए तो अपने परिवार को तो पूरा पढ़ाते कम से कम, तो लकवा ग्रस्त हो तुम तो। उसके बाद पूरे देश को क्यों नहीं पढ़ाया, क्या पूरे देश से तुम्हें प्यार नहीं है, क्या तुम देशवासी नहीं हो, क्या तुम देशद्रोही हो, क्या तुम विदेशी हो? अरे अपने देश की जनता को नहीं पढ़ा रहे हो तो क्या रीजन है, कोई तो कारण होगा, तुम एक कारण बताओ कि तुमने अपनी देश की जनता को क्यों नहीं पढ़ाया। दूसरी बात, पढ़ाने का जुम्मा तुमने खुद लिया तो तुमने दुनिया में सबसे बेहतर क्यों नहीं पढ़ाया, तुम्हारे पढ़ाए हुए बच्चे दुनिया में नाम क्यों नहीं कमाते, तुम खुद इनोवेशन क्यों नहीं करते, तुम खोज क्यों नहीं करते, तुमको नोबेल प्राइज क्यों नहीं मिलता पढ़ाई में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथ में तुम्हें नोबेल प्राइज क्यों नहीं मिलता, क्यों तुमने जो सम्राट अशोक के बाद के समय की जो यूनिवर्सिटियां थी 12 जो विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटियां थी उनको तुमने क्षतिग्रस्त किया, उनको खत्म किया, और जो तुमने बाद में छोटे छोटे ये दड़बे जैसे स्कूल बनाए, तो इन स्कूलों की मान्यता विश्व में क्यों नहीं रही, जैसी उदयपुरी की थी या जैसी तक्षशिला की थी या जैसी
नालंदा की थी, ये जो 12 यूनिवर्सिटियाँ थी इनकी थी, तो ऐसी क्यों नहीं रही, उसका रीजन बताओ, उसका क्या कारण रहा। इसलिए मैं कहता हूँ कि दरअसल तुषार को बधाई नहीं है, ये बधाई है क्योंकि तुषार को पढ़ाने वाले अब ठीक हैं, तुषार को पढ़ाने वाले उसके माँ बाप हैं, और माँ बाप बहुत काबिल हैं, बहुत जानकार हैं, क्योंकि जो ओम प्रकाश सिंह हैं, ओपी सिंह हैं, उनसे मैं मिला हुआ हूँ। एक बार अपनी कार में बिठा के, मेरे ही जिले के हैं, एक बार अपनी कार में बिठा के अपने गांव तक लेके गए थे, बीच में हमारी बात चली थी, रिसर्च बेस्ड भी हैं, रिसर्च करते रहते हैं, और हम उनके साथ गए थे तो उन्होंने खाना वाना भी हमें खिलाया था, बच्चे को मैं नहीं जानता। तो उन्होंने जो काम किया है, जैसी बात है, वो पढ़ने वाले फील्ड में, पढ़ाने वाले फील्ड में, और भेदभाव करते नहीं, सबको पढ़ाते हैं, अपने बच्चे को पढ़ाया, तो उस बच्चे के जो गुरु हैं उसके माता पिता हैं, यानी पढ़ाने वाले का ज़्यादा असर होता है पढ़ने वाले से। इसलिए बाबा साहब के बाद में एससी एसटी ओबीसी के टीचर, पढ़ाने वाले मास्टर मेंटर आ गए, और उनके आने से क्या हुआ कि उन्होंने सभी बच्चों को बराबर का ध्यान दिया, उन्होंने भेदभाव नहीं किया कि इस बच्चे को पढ़ाना है या इस बच्चे को नहीं पढ़ाया है, उन्होंने सभी बच्चों को पढ़ाया, तो भारत में साक्षरता की दर अचानक से बढ़ गई, और जो स्कूल में आया वो पढ़ने लगा, थोड़ा बहुत पढ़ा, क्योंकि जितना उनको आता था वो पढ़ा। बच्चों को पढ़ाई के बारे में ज़्यादा बताया नहीं जाता, ज़्यादा उनको मोटिवेट नहीं किया जाता, सरकार खुद मोटिवेट नहीं करती है। दरअसल मैंने एक वीडियो में आपको बताया है कि दुनिया में सबसे आसान काम है पढ़ना, दुनिया का सबसे आसान काम है पढ़ना, और दुनिया का सबसे चालाक आदमी ये चाहता है कि वो पढ़े और बाकी लोग ना पढ़ें, क्योंकि चालाक और जो धूर्त होगा वो कहेगा कि आसान काम मैं करूँ और कोई और ना करे, तो फिर मेरा काम लोगों को कठिन लगना शुरू हो जाएगा, और अगर सबने कर लिया तो कहेंगे अरे तूने ये क्या किया, इससे अच्छा तो हम ही पढ़ गए। आज स्थिति वो है कि आज जो धूर्त लोग हैं उनसे अच्छे अच्छे और भी लोग पढ़ रहे हैं, यानी वो लोग जिनको पढ़ने का अधिकार नहीं है उनके बच्चे, और वो खुद टॉप कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, तो वो जानकारी दे रहे हैं कि अरे इसने तो हमें जीवन में ढंग से पढ़ाया नहीं। ये जो मास्टर जितने भी आए सिलसिले के आगे तक, ये तो निकम्मे मास्टर रहे, ये तो पढ़ा ही नहीं पाए। तो भारत का जो सबसे ज्यादा नुकसान है वो इस बात में हो रहा है कि पढ़ाने वाले सही नहीं रहे। अब थोड़े से अच्छे आए हैं, मगर अब आसार ऐसे लग रहे हैं कि शायद पढ़ाने वाले जो अच्छे लोग हैं वो आगे ना पढ़ाएं, क्योंकि उनको पढ़ाने के मौके नहीं दिए जाएंगे। फिर पढ़ाई कुछ लोगों के हाथ में आ गई है, फिर पढ़ाई का कमर्शलाइजेशन कर दिया है, फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी बेच दिए हैं, पैसा होगा तब पढ़ोगे। अच्छा, पढ़ाने वाले भी हैं, वो अगर रिश्तेदार है तो पढ़ाने आएगा, अगर वो कोई जानकार है, कोई अगर ऐसा व्यक्ति है जो सिफारसी है, जिसको भले कुछ ना आता हो, चाहे वो रूस से डिग्री लेके आया, चाहे वो यूक्रेन से डिग्री लेके आया, चाहे कोई बांग्लादेश से डिग्री लेके आया, चाहे श्रीलंका से, चाहे नेपाल से डिग्री लेके आया, चाहे कोई झूमी तलैया से डिग्री लेके आया, सिफारिश है, सोर्स है, पैसा है, तो वो नौकरी में लग जाता है। प्राइवेट नौकरी में वैकेंसी कोई सरकारी तो है नहीं, और सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ बहुत तेज़ी से प्राइवेट होने लगे हैं, तो प्राइवेट में आपको पढ़ के पढ़ाने का चांस तो मिलेगा नहीं, और जिनसे आप पढ़ के आओगे वो निकम्मे हैं। तो इसलिए तुषार तो 500 में 500 लेके आए, उनके लिए तो बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं, मगर आने वाला समय ऐसा नहीं है। तो ओम प्रकाश सिंह और उनकी पत्नी और उन जैसे जो लोग हैं उनको मेहनत करनी पड़ेगी, या तो अपनी यूनिवर्सिटी बनाइए, या सरकार से कह के अपनी यूनिवर्सिटियों के लिए जगह और पैसा मुकर्रर कराइए, या अपने छोटे छोटे स्कूल और कॉलेज खोलिए जहां वो खुद पढ़ा सकें बच्चों को। अगर आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे तो ये गारंटी है कि कोई दूसरा आपके बच्चों को नहीं पढ़ाएगा। भारत में सिस्टम है कि आप में एजुकेशन है तो आप अपने बच्चे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी और से एजुकेशन ट्रांसफ़र करने की उम्मीद मत रखिए। पैसा जाएगा, समय जाएगा, बच्चा सिर्फ अक्षर ज्ञान सीखेगा, टॉप नहीं कर सकता, गारंटेड है इस बात की, क्योंकि अगर ऐसा होता तो बहुत पहले से ऐसा हो जाता। अब हो रहा है, अब अचानक से बाढ़ आई है, इस बाढ़ को रोकने के लिए बहुत सारे देशद्रोही लोग लग गए हैं, आपको डट के मुकाबला करना है। बधाई बच्चे को है, और सावधानी में कर रहा हूं बच्चे के माता पिता को कि इस काम में लग जाइए। धन्यवाद। टीम 22 पर सभी वीडियो बुक कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने पोर्टल पर, अपने यूट्यूब पर, अपने फेसबुक पर, या किसी भी जो भी ऐप है उस पर आप यहां से डाउनलोड कर टीम 22 से, या फेसबुक से, या मेरे पेज से, कहीं से भी कोई भी वीडियो ले सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें अपने नाम का कुछ भी ऐड कर सकते हैं या अपनी कमेंट्री कर सकते हैं, उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं, उसका प्रिंट मटेरियल भी बना सकते हैं, उसको किसी भी भाषा में आप बदल सकते हैं, उसका ऑडियो चेंज कर सकते हैं, उसका वीडियो ले सकते हैं, आप जैसे भी चाहें टीम 22 की किसी भी वीडियो का या सारी वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये हमेशा कॉपीराइट फ्री थी और हमेशा कॉपीराइट फ्री रहेंगी। हमारा सिर्फ इतना काम होता है कि महापुरुषों की जो बातें हैं उन बातों को हम सरल भाषा में, आम भाषा में आप तक पहुंचा देते हैं। अब आगे आपका काम है कि आप अपनी भाषा में बदल के या ऐसा का ऐसा शेयर करके या इसको आगे भेजकर या इसका लिंक भेजकर या इसमें से कोई भाषा बदलकर या इसको प्रिंट कर या इसको लोड कर या डाउनलोड कर या इसको टीवी में बच्चों को दिखाकर या किसी को गिफ्ट कर जैसे भी चाहे वैसे इसको आगे पहुंचाएं। धम्म की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि धम्म दान, धम्म को देना, सभी देने में यानी जितना भी हम किसी को देते हैं, दान देते हैं, उनमें सबसे बड़ा माना जाता है। अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परेशानी है तो आप हमें लिख के भेज दीजिए, हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे। आप धम्म की सेवा में सहायक बने, धम्म आपको खूब लाभ लाभ देगा, धम्म आपको लाभ देगा, आप धम्म को लाभ देंगे, ये दोनों इंटरचेंज है, यही धम्म की प्राकृतिक नियम है। धन्यवाद। Singam Sirunam Gacchami.